हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कोलियस की वैरायटीज़ पे। यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल 7 से 8 टाइप की कोलियस की डिफरेंट वैरायटी है, जो कि अपने आप में यूनिक और खूबसूरत है। कोलियस एक लो मेंटेनेंस और सुंदर पत्तों वाला पौधा है, जो कि आपके गार्डन में फूलों की कमी फील नहीं होने देता और साथ ही ये परमानेंट भी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कोलियस की सारी वैरायटीज़ एक एक करके दिखाऊंगी, जो जो भी हमारे पास है, और साथ में कुछ कोलियस को कटिंग से ग्रो करेंगे। इसके अलावा ऑलरेडी ग्रो किए हुए कुछ प्लांट्स को हम रिपोर्ट करेंगे और आपको कुछ केयर टिप्स भी मैं शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले कोलियस की लोकेशन की बात कर लेते हैं। कोलियस की लोकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिना प्रॉपर लोकेशन के आपका प्लांट सही से ग्रो नहीं करेगा और इसके कलर एनहेंस होकर नहीं आएंगे। तो ये एक शेमीशेडी प्लांट है, इसको एकदम फुल सनलाइट में नहीं रखना है, कि एकदम क्लोज्ड एरिया में नहीं रखना है जहाँ पे सनलाइट ना आता हो। इसको सनलाइट भी चाहिए, 2 से 3 घंटे का सुबह का धूप इसके लिए काफ़ी होता है। ये जो वैरायटी मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, इसका नाम है कोलियस विजार्ड जेड। कोलियस का ये वैरायटी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये वाइब्रेंट ग्रीन और क्रीमी वाइट कलर कम्बिनेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ऊपर से इसके कटिंग्स इसको और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। ये प्लांट मैच्योर होने पर 12 से 15 इंच तक लंबा हो सकता है। इसको अपना सॉइल मॉइस्ट पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग से आपको बचना है। और जब आपका रूट बॉन्डिंग हो चुका हो, तो इमीडिएटली इसको रिपॉटिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस प्लांट में बहुत ही ज़्यादा रूट बॉन्डिंग हो जाता है। वैसे तो इस प्लांट को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन स्टेम कटिंग से भी ये आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। इसके वाइब्रेंट लुक की वजह से ये एक पॉपुलर ऑर्नामेंटल प्लांट है। वेल ड्रेन सॉइल प्रोवाइड करने के साथ 4 से 6 हफ्तों में इसकी वाटरिंग भी आपको करते रहनी है। 70 से 80 रुपीज़ के अंदर में ये आपको किसी भी नर्सरी में ईजिली मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी की तरफ, और इस वैरायटी का नाम है कोलियस डार्क चॉकलेट, जो अपने वाइब्रेंट कलर की वजह से जाना जाता है। इसका कलर इसको बहुत ही प्यारा सा अपीयरेंस देता है, और साथ ही ये प्लांट 12 से 24 इंच तक लंबा और वाइड हो सकता है। कोल्ड क्लाइमेट में ये प्लांट एनुअल होता है, और फ्रोस्ट फ्री ट्रॉपिकल एरिया में ये प्लांट पेरिनियल हो सकता है। सीधा सनलाइट से इसके पत्ते खराब हो सकते हैं, तो इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करें, और इसको ही बाकी वैरायटीज की तरह मॉइस्ट सॉइल, वेल ड्रेन सॉइल प्रोवाइड करें और रेगुलर इसमें वाटरिंग करते रहें। लेगी ग्रोथ को अवॉइड करने के लिए इसमें रेगुलरली आपको पिंचिंग भी करते रहना है। इस खूबसूरत से ऑर्नामेंटल प्लांट को आप इनडोर या आउटडोर कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं, और इसका फर्टिलाइज़र का भी मैं आपको शेयर करूंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र इसके प्लांट के पत्तों को बहुत ज़्यादा बड़े बना सकते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ और वैरायटीज़ की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। कोलियस के इस वैरायटी का नाम है कोलियस कॉन्ग स्कैरलेट। ये भी अपने वाइब्रेंट कलर और अपने पैटर्न के साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पॉपुलर ऑर्नामेंटल प्लांट है। अपने कलर कम्बिनेशन के अलावा हमारा ये वैरायटी अपने पत्तों के अंदर जो कटिंग है, उससे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप एक प्लांट खरीद के स्टेम कटिंग से ग्रो करके मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं कम समय के अंदर ही। हम इसको खरीद के लेकर आए थे, इसके पत्ते येलो और रेड कम्बिनेशन के थे, पर ग्रेजुअली ये अभी ग्रीन हो चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा येलो दिख रहा होगा। ऐसे ही पूरा येलो और रेड का कम्बिनेशन इस प्लांट में था। कोलियस के हर वैरायटी का ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम या ज़्यादा होता है, तो इस वैरायटी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है कम समय के अंदर। तो अभी चलते हैं हम अपनी अगली वैरायटी की तरफ। कोलियस के इस वैरायटी का नाम है कोलियस रेड एंजल। इसका कलर कम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। नीचे से इस तरीके का ये ग्रीन होता है, ऊपर से इसके ग्रीन बॉर्डर के साथ रेड कलर का कम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट दिखता है। इसके बॉर्डर के कलर के साथ इस पत्ते का कलर कम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इसके अलावा वहाँ पे भी कुछ प्लांट्स हम कटिंग से ग्रो करके रखे हुए हैं इसी वैरायटी के, तो आप स्टेम कटिंग से बहुत ही आसानी से इसको मल्टीपल कर सकते हैं कम समय के अंदर। सारे कोलियस के प्लांट की तरह इसको भी डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है, तो इसको उससे बचा के रखें। तो हमारे कोलियस की इस वैरायटी का नाम है फेयरवे मोसाइक, जो कि अपने कलर कम्बिनेशन और अपने खूबसूरत से पत्तों के लिए बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसको ज़रूरत होती है ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट या फिर सुबह के 1-2 घंटे की हल्की सी धूप की।
अगर आप इसको एकदम शेडी एरिया में रखते हो तो आपके प्लांट में जो रेड कलर का कॉम्बिनेशन है ना वो गायब हो जाएगा और आपका प्लांट पूरी तरीके से ग्रीन हो जाएगा। NPK 19:19:19 का यूज करके आप अपने कोलियस के प्लांट के पत्तों को साइज में बहुत ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। खूबसूरत तो ये है ही, इनको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए गर्मियों के दिनों में आपको इसके पत्तों में वाटर मिस्टिंग भी करते रहनी है। इस वैरायटी से मिलता जुलता एक और वैरायटीज भी मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ, जो है हमारा ये वैरायटी। इसका नाम है कोलियस म्यूरल पैडली। ये पत्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है क्योंकि ये अपने कलर कॉम्बिनेशन के अलावा इसमें जिस तरीके से इसका कलर उभर के आया है इस पत्तों में वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इससे मिलता जुलता एक और वैरायटीज़ भी था जो बिल्कुल डॉट डॉट पैटर्न में था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मर चुका है। तो ये वैरायटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। ये वैरायटी और पिछली वाली वैरायटीज़ में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन इनका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है जो इसको ब्यूटीफुल बनाता है और इससे थोड़ा सा अलग भी बनाता है। अभी इन दोनों वैरायटीज़ को मैं आपको साथ में दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं इनका पैटर्न एक दूसरे से अलग है और दोनों ही अपने आप में यूनिक और सुंदर हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी की तरफ। इस वैरायटी का नाम है कोलियस फेयर लाइट। इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है क्योंकि इसमें तीन कलर हैं। अगर आप फोकस करके थोड़ा सा देखेंगे तो इसमें डार्क कलर रेड का है और हल्का सा ग्रीन कलर और लाइट रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, और कंपैरेटिवली इसके पत्ते थोड़े से मोटे हैं और थोड़े से मुड़े हुए हैं। धूप की वजह से, थोड़ा सा शेडी एरिया में होने की वजह से इसमें थोड़ा सा कलर कम है, लेकिन ये और भी ज़्यादा वाइब्रेंट बन सकता है अगर आप इसको अप्रोप्रिएट सनलाइट प्रोवाइड करते हो तो। इसके पत्तों में कटिंग भी है, इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वैरायटी की तरफ। ये इसके प्यारे से फोलियज और वाइब्रेंट लुक के लिए जाना जाता है। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरत है। गोल्डन येलो कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। 15 से 24 डिग्री की टेम्परेचर इस प्लांट के लिए बेहतरीन मानी जाती है। 70-80 रुपीज़ के अंदर ये आपको किसी भी लोकल नर्सरी में आसानी से मिल सकता है, लेकिन ये प्लांट फ्रोस्ट वाले एरिया में इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं करता, कभी कभार मर जाता है। तो विंटर में इसकी ग्रो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इसको फ्रोस्ट फ्री एरिया वाले लोग परमानेंटली अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। महीने में एक बार इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करें और किसी भी आप बैलेंस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सारे कोलियस के वैराइटीज़ की रिक्वायरमेंट लगभग एक जैसे होती है, लेकिन इस सारों का ग्रोथ रेट एक दूसरे से थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। ये प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से प्लांट अगर आपने अभी तक ऐड नहीं करा है तो एक खरीद लें और इसको मल्टीपल करके अपने गार्डन को बिल्कुल इसी तरीके से भर लें। और ये हमारा प्लांट कोलियस का दूसरा वाला वैरायटी है, इसका नाम है कोलियस ब्रोंज। कंपैरेटिवली ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो करता है और बहुत ही कम एफर्ट में बहुत ही अच्छा और बहुत ही वाइड रेंज में ग्रो कर जाता है। कोलियस प्लांट बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं, इसी वजह से अगर आपने गमले में ग्रो किया है तो इसकी रूट बॉन्डिंग हो चुकी होगी, तो आप इसको नोटिस करके इसकी दूसरी रिपोर्टिंग कर दें और आपका पुराना कोलियस का प्लांट मरने से पहले कटिंग से ग्रो करके न्यू प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर दें। इसी तरीके से आप अपने गार्डन में बहुत सारा कोलियस बना सकते हैं और कोलियस को परमानेंटली अपने गार्डन में रख सकते हैं। वैसे तो कोलियस के सारे प्लांट्स ईजी टू ग्रो हैं, लेकिन सारे वेराइटीज़ में से ये वेराइटी सबसे ज़्यादा ईजी टू ग्रो है। बहुत ज़्यादा हार्डी है, आप कहीं भी पिंच करके फेंक देंगे तो वहाँ भी ये रूट डेवलप कर लेगा। और ये वाली वैरायटी ग्रीन पिंक और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन के साथ कोलियस का ये वैरायटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। ये भी काफ़ी फास्ट ग्रो करता है, बट रेगुलरली आपको इसके पिंचिंग करते रहनी है। अगर आपको लेगी नहीं चाहिए तो अपना प्लांट, इसको हमने यहाँ पे ग्रो बैग में बहुत सारा प्लांट ग्रो किया है, रेगुलरली पिंचिंग से ये काफ़ी ज़्यादा बुशी हो चुका है। इस प्लांट को अगर आप बुशी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी यहाँ से ऊपर से पिंचिंग करिए, नीचे से जैसे जो पत्ते आ रहे हैं उसके नीचे से बिल्कुल इधर से आप इस प्लांट को पिंच करेंगे तो आपके प्लांट में न्यू स्टेम भी आएगा। तो अभी हम कुछ कटिंग्स लेंगे और इनको कटिंग से ग्रो करेंगे। ऐसे इस प्लांट में पर्पल पर्पल कलर की फ्लावर्स आती है छोटे छोटे, और वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्टेम कटिंग से आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। इस तरीके से ऊपर से मैंने कुछ स्टेम्स लिए हैं और यहाँ पर मैंने सॉइल मिक्स प्रिपेयर किया है। इसमें मैंने 90% सैंड और 10% कोकोपीट लिया है। सैंड में कटिंग का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप कोलियस के प्लांट को कटिंग से ग्रो कर रहे हैं तो सैंड ही यूज़ करें,
और इस तरीके से प्लांट्स कटिंग को मैंने यहाँ से नीचे से सारे पत्ते निकाल लिए हैं, क्योंकि नीचे से अगर आप पत्ते नहीं निकालेंगे तो आपके प्लांट में फंगस लगने का खतरा हो सकता है। अगर आप किसी भी प्लांट को स्टेम कटिंग से ग्रो कर रहे हैं तो उसके नीचे वाले सारे पत्ते निकाल लें, इससे आपको फंगस का खतरा तो नहीं रहेगा, साथ ही आपका जो प्लांट है ज़्यादा पत्ते होने से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, जिससे प्लांट को रूट डेवलप करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो इस तरीके से एक एक करके मैंने सारे कोलियस के पत्तों को कट करके निकाल लिया है, और इसको ना मैंने 45 डिग्री में कट किया है। 45 डिग्री में कट करने के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, तो ईजिली हमारा प्लांट ग्रो कर जाता है, रूट डेवलप कर लेता है। वैसे तो अगर आप चाहें तो रूटिंग हार्मोन यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कोई सा रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इससे पहले कई बार हम लोग कटिंग से ग्रो कर चुके हैं, बिल्कुल भी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको ग्रो करने के लिए हमने छोटा छोटा सा ग्रो पॉट लिया है जो कि 3 इंच का है। ये आपको किसी भी लोकल नर्सरी में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, अगर आप वहां से परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कटिंग्स को ग्रो करने के लिए कभी भी बड़ा पॉट चूज़ ना करें, इससे आपका कटिंग सही से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो अभी जो मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार किया था, इसका आप ड्रेनेज होल देख सकते हैं, कितना अच्छा ड्रेनेज होल है। अच्छा ड्रेनेज होल का होना भी ज़रूरी है, इसमें मल्टीपल ड्रेनेज होल हैं, जिससे आपके प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। पॉटिंग मिक्स को अपने पॉट में भर लेने के बाद मैंने एक एक करके जितने भी हमारे पास यहाँ पे कटिंग थी सबको फंगीसाइड पाउडर लगा के एक एक करके मैंने सबको एक एक पॉट में अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा लिया है। एग्जैक्टली तो मैंने काउंट नहीं किया, फिर भी हमने बहुत सारे क्वांटिटी में इन सारे दूसरे वेरिकेटेड कोलियस को हमने ग्रो किया था। बारिश का मौसम है, अगर बारिश का मौसम ना भी होता तो फंगीसाइड पाउडर का यूज़ करना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो मैं फंगीसाइड यूज़ कर रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक कटिंग को अपनी सैंड में लगा के इस प्लांट को ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे के पत्ते रिमूव करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने कटिंग में कोशिश करें कि कम से कम ही पत्ते हो। तो हमारे सारे पॉट्स भर चुके हैं, अब ये दूसरा वाला पॉट मैंने लिया है जिसमें सिर्फ कोकोपीट है। यहाँ पे मैंने थोड़े से इंच प्लांट भी ग्रो किए थे, इसमें हम यूजुअली छोटे छोटे कुछ टुकड़े ग्रो करते रहते हैं और आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और ये सारा प्लांट लग के अब तैयार हो चुका है, और इसको मैंने यहाँ पे शेडी एरिया में रख दिया है, और हार्वेस्ट किया हुआ रेन वाटर को मैं सारे प्लांट्स में दे रही हूँ। तो ये कुछ प्लांट्स को हमने साथ में ग्रो कर लिए हैं। तो यस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।